Hello everyone, welcome to Green Kitchen Recipes। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मियों के सीजन में हम मलाई से घी कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना मिक्सर ग्राइंडर यूज किए हुए और बहुत ही कम समय में। इस ट्रिक को यूज करते हुए हम मलाई से मक्खन, घी, मावा और पनीर चारों बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मलाई से घी बनाने के लिए हमने फ्रीज की हुई मलाई को रात को ही बाहर निकाल के रख दिया था, जो सुबह तक प्रॉपरली मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हैं मलाई प्रॉपरली मेल्ट है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल कर अब हमें 3 से 4 मिनट तक सिर्फ फेंटना है। मलाई में हमने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ एक स्पून यूज़ करते हुए मलाई को इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं हम। 3 से 4 मिनट मलाई को फेंटने के बाद आप नोटिस करेंगे कि मलाई धीरे धीरे थिक होने लगी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें आइस क्यूब्स मिलाएंगे। हमने इसमें 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दी है। अब इसे 2 से 3 मिनट और फेंटना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मक्खन सेपरेट होने लगा है। कुछ ही देर में पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और मक्खन बिल्कुल अलग। तब तक हमें इसे कंटिन्यूअसली इसी तरह से फेंटना है। मलाई को टोटल 5 से 6 मिनट फेंटने के बाद ये आप देख सकते हैं मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है और पानी अलग। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारा मक्खन अलग कर लिया है और इसे अलग करने के बाद जो दूध बचा है इसे फाड़कर हम पनीर बना लेंगे। मक्खन को अब हम पानी डालकर वॉश कर लेंगे, जिससे इसमें मलाई की जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। इस तरह से मक्खन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। मक्खन को निकालते समय हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें पानी कम से कम रहे। ये हमारा मक्खन, जिसे वाइट बटर भी कहा जाता है, बिल्कुल रेडी है। आप इसमें नमक डालकर इसे खा सकते हैं। बटर को थोड़ा येलोइश टच देने के लिए आप इसमें एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी बची हुई मलाई को भी फेंट कर मक्खन निकाल लेंगे। हम मलाई को थोड़े थोड़े बैचेस में ले रहे हैं, जिससे उसे फेंटना ईजी रहे और मक्खन आसानी से निकल जाए। ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद ही मलाई बिल्कुल थिक होने लगी है। इस स्टेज पर अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स मिलाएंगे और इसे फिर से फेंटेंगे। तो ये आप देख सकते हैं गाढ़ा मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है और दूध बिल्कुल अलग। अब मक्खन को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इसे भी हम एक मोटे बॉटम वाली बड़ी कढ़ाई में निकाल लेंगे। 3 से 4 बार इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने सारा मक्खन निकाल लिया है और एक मोटे बॉटम वाली बड़ी कढ़ाई में सारे मक्खन को डाल दिया है। मक्खन से घी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए हम कंटिन्यूअसली स्टियर करते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई के तले में चिपक जाएगा। घी बनाते समय आप अपना रसोई का कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, बस इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तले पर चिपके नहीं। लो फ्लेम पर आप देख सकते हैं मक्खन धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। मक्खन ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है और क्योंकि मक्खन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इसलिए मक्खन से घी बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं, जिससे ये तले में चिपके नहीं। घी को 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। लो फ्लेम पर आप फिर भी ओकेजनली इसे स्टेयर कर सकते हैं, बट हाई फ्लेम पर करने के बाद आप इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहिए। 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद घी धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। अब कुछ ही देर में घी पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा और मावा जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं घी पूरी तरह से ऊपर आ गया है।
अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और घी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, जिससे मावा भी पूरी तरह से नीचे सेटल हो जाएगा। फिर हम इसे छान लेंगे। मक्खन को पकाकर घी बनाने में हमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगा, तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ 20 से 25 मिनट में हमारा होममेड प्योर घी बनकर बिल्कुल रेडी है। घी ठंडा हो गया है और मावा भी नीचे सेटल हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। घी को छानने के लिए हमने एक छलनी ले ली है। अब उस पर हम लगा लेंगे एक कपड़ा। घी को छानने के बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश होममेड मावा रेडी हो गया है। इसे कपड़े में बांधकर हम कुछ देर के लिए दूसरे बर्तन में रख देंगे, जिससे इसमें जितना एक्स्ट्रा घी है वो भी निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा मलाई से बना शुद्ध देसी घी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडे होने के बाद इसे स्टील या कांच के बर्तन में स्टोर करेंगे। इसे हमें प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर नहीं करना है। स्टोर करने के बाद आप इसे आराम से साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। जब तक घी ठंडा हो रहा है, तब तक मक्खन बनाने के बाद जो दूध बचा था उसे फाड़कर हम पनीर बना लेते हैं। पनीर बनाने के लिए हमने इस दूध को उबाल आने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। 7-8 मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद इसमें उबाल आ गया है। अब इसे फाड़ने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप विनेगर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे मिक्स करने के बाद आप देखेंगे दूध फटने लगा है और पनीर अलग होने लगा है। ये आप देख सकते हैं पनीर पूरी तरह से अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। ये हमारा पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे इसमें से विनेगर की स्मेल पूरी तरह से चली जाए, और फिर इसे सेट होने के लिए रख देंगे। पनीर को छानने के बाद जो ये पानी बचता है, ये भी बहुत हेल्दी होता है। आप इसे आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं, इसका सूप बना सकते हैं, या फिर सब्ज़ी की ग्रेवी में इसे यूज़ कर सकते हैं। पनीर को 2 से 3 पानी से वॉश करने के बाद हमने एक कंटेनर में इसे डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। घी ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक ग्लास की बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी स्टील के बर्तन में भी इसे स्टोर कर सकते हैं, बस स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का बर्तन यूज़ ना करें। प्लास्टिक में घी जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये हमारा मलाई से बना हुआ होममेड घी, होममेड मावा और होममेड पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है, जिसे हमने बिना किसी मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ किए हुए बहुत ही कम टाइम में बना लिया, और ये बिल्कुल प्योर और फ्रेश है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप वाइट बटर भी घर पर इजीली बना सकते हैं। मलाई से घी बनाने की इस ट्रिक को ट्राई करके फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।